जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एक रिक्वेस्ट करने वाला हूं, मैं आपकी तरफ से एक बुक रिकमेंड करने वाला हूं। और प्लीज प्लीज अपने जीवन का, मैं समझता हूं बहुत ही कीमती समय होगा आपके जीवन में, लेकिन एक दिन निकालिएगा इस किताब को पढ़ने के लिए। बुक है दोस्तों कभी गांव कभी कॉलेज, जिसको अगम जैन जी ने लिखा है। अगम जैन जी के बारे में बता दूं कि वो अभी करेंटली एक आईपीएस ऑफिसर है। आईपीएस ऑफिसर होने के बावजूद लगभग 4 से 5 साल लगा ये स्टोरी लिखने में, और इसको उसके बाद इन्होंने ये किताब लिखी है। इस किताब को मैं अभी रिसेंटली 2 घंटे पहले कंप्लीट किया हूँ, और इस किताब को मैंने बाय कब किया था, लगभग 6 से 7 घंटे पहले, मतलब 4 से 5 घंटे में इस किताब को। क्योंकि ये किताब ऐसी है, उनका लिखावट ऐसा है कि आप अगर एक बार इसको शुरू कर देंगे तो बिना खत्म किए अपने आप को नहीं रह पाएंगे। एक अद्भुत, एक अविश्वसनीय, एक बेहतरीन, एक स्टूडेंट लाइफ से जुड़ी हुई किताब है। इसलिए मैं इसको हाईली 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 रिकमेंड करूंगा। आपको खरीदना नहीं, मतलब खरीदना ही है, कहीं ना कहीं से आपको ये किताब पढ़ना है। बहुत ही बेहतरीन किताब है, लगभग 158 पेजेस की किताब है, और प्राइस मुझे तो 200 रुपये में पड़ी थी, अमेजोन से मैंने बाय किया था। अब मैं इस किताब की इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ। आज लगभग 14 दिसंबर है, 14 दिसंबर 2023 का दिन है, और मैं बड़े ही यकीन के साथ कहूंगा कि एक दिन आएगा कि इस किताब पे कभी मूवी बनेगी और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस होगा। अगर नहीं भी होगा थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन यह बुक एक बहुत ही फेमस बुक होने वाली है। कम से कम ये राइटर, ये ऑथर, ये जो सर है, क्योंकि आईपीएस ऑफिसर भी है, अपने इस राइटिंग स्किल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस होने वाले, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। ये कहानी कैसी है? यह कहानी एक रोमांटिक है, रोमांस है, एंटरटेनमेंट है, सोशल इश्यूज के लिए अवेयरनेस है। एजुकेशन डिपार्टमेंट कैसे कमजोर है हमारा, एजुकेशन डिपार्टमेंट कैसे बिजनेस में कन्वर्ट हो गया, कैसे गांव में एजुकेशन के नाम पे जो पैसे आते हैं वो खराब हो जाते हैं, और कैसे एक बच्चा गांव से निकल कर शहर जाता है और वो एक आईपीएस ऑफिसर बनता है, उसकी पूरी कहानी है इसमें। तो एक मोटिवेशन भी है, एक इंस्पिरेशन स्टोरी भी है, एक सोशल अवेयरनेस भी है, रोमांस है, एंटरटेनमेंट है, और सौंदर्य वर्णन भी है। एक बेहतरीन कंप्लीट किताब है। मैं ऐसे नहीं कि स्पॉन्सर, इस किताब का कोई मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला, मैं सच बता रहा हूँ। आज ही के दिन मैंने लगभग 10 से 11 बजे मुझे ये बुक डिलीवर हुआ था, 5 से 6 घंटे में। मैं जब एक बार स्टार्ट कर दिया अपने आप को, मतलब बहुत ही अच्छी इनकी लिखने की जो शैली है, जिस तरीके से इन्होंने वर्ड का चुनाव किया, जिस तरीके से शब्दों को इन्होंने पिरोया है वाक्यों में, एक बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन किताब है। मुझे मेरे एमएड के टीचर दिलीप सर ने रेकमेंड किया था, ऐसे ही बात हो रही थी, उन्होंने कहा था, और मैंने इसको पढ़ा। यकीन मानिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ आप सबको, इसको जरूर पढ़िएगा। इस बुक को पढ़ने के बाद अगर मेरी राइटर से कभी मुलाकात होगी ना, मैं इतना इन्वॉल्व हो चुका हूँ इसकी स्टोरी में कि मेरे सामने वो पूरे चित्र दिखाई दे रहे हैं कि कैसे एक विवेक है, कैसे एक सुरभि है, कैसे महिमा है, सुनील है, मतलब एक बेहतरीन सी कहानी है। और लास्ट में एक आता है चेतक। चेतक की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा कम लगा मुझे लेकिन बहुत ही मजेदार लगा। चलो चेतक के बारे में बता देता हूँ। एक विवेक नाम का लड़का जो है इसमें, विवेक जिसकी स्टोरी है, जो बाद में आईपीएस ऑफिसर बन जाता है, तो वो पूरी पढ़ाई वढ़ाई पूरी कहानी को लास्ट की बात बता रहा हूँ कि लास्ट में वो विवेक दिल्ली जाता है, दिल्ली जाके यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, जिंदगी में बहुत ठोकर खा के गरीबी से निकल के दिल्ली में जाके वो यूपीएससी की तैयारी करता है। वहां पे उनकी एक मुलाकात होती है एक चेतक भैया से। चेतक भैया इतने समय से दिल्ली में तैयारी करते हैं कि उनकी पहचान हर समोसे वाले, चाय वाले, टपरी वाले और किताब वाले से हो जाती है, उनके बाल झड़े हुए होते हैं, और वो भी वो यूपीएससी की तैयारी इससे पहले 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं और तीनों में फेल हो चुके हैं, प्रीलिम्स निकाल के मेंस भी निकाल चुका है, लेकिन वो इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से इनकी चेतक भैया से मुलाकात होती है, ठीक है। चेतक भैया का नाम चेतक क्यों पड़ा, इसमें इन्होंने अगम जैन आईपीएस सर ने लिखा है कि उनका नाम इसलिए पड़ा कि क्योंकि जब वो पैदा हुए थे तो उनके पिताजी महाराणा प्रताप की कहानी पढ़ रहे थे, तो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है चेतक, वो पांव कटे होने के बाद भी अपने सवार को लक्ष्य तक पहुंचाता है, इसीलिए उन्होंने इनका नाम चेतक रख दिया था। और कहानी के अंत में आप देखेंगे कि कैसे चेतक जी ने यूपीएससी में इसी घोड़े की तरह विवेक को यूपीएससी के पार लगाया, उनके मोटिवेशन उनके साथ, और कैसे विवेक लास्ट में आके आईपीएस ऑफिसर बनता है। एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है। मुझे यही पूछना है राइटर से कि क्या हुआ चेतक जी का यूपीएससी निकला कि नहीं निकला, महिमा की शादी किससे हुई, सुनील को कौन मिला। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। मैं तो बिल्कुल इन्वॉल्व हो चुका हूँ आज सुबह से लेके, जब से ये बुक मिला है मैं इसको इन्वॉल्व कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि अब ये कम्प्लीट हुआ। एक लास्ट पॉइंट बता दूँ इस बुक के बारे में, फिर मैं इस वीडियो को भी समाप्त करूंगा, मैं अपनी फीलिंग्स को समाप्त करूंगा। मैं बोल नहीं रहा, मैं पढ़ नहीं रहा, मैं बस अपनी फीलिंग्स को मैं सोच कर रहा कि एक्सप्रेस कर दूं, ताकि ये चीज़ें
मुझे लगे कि ये कहानी है। जब ये कहानी खत्म हुई, लास्ट का पेज था और मैं ऐसे पढ़ रहा था, जब ये कहानी खत्म हुई और मैंने जब पन्ना ऐसे पलटा तो आप यकीन मानेंगे मैं खड़े होकर पढ़ रहा था और मतलब मेरे मतलब ऐसे चीख निकल गई। मतलब अब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया क्योंकि मैं ये विश्वास नहीं कर पाया कि ये कहानी खत्म हो गई है। मैं आगे के पात्रों को जानना चाहता था। तो अगर कभी फ्यूचर में सर आपको टाइम मिले उसका पार्ट टू जरूर बनाइएगा। मैं देखना चाहूंगा कि सुरभि और विवेक की स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। IPS बनने के बाद जो कमियां उन्होंने गांव में देखी थी, जो हेडमास्टर के साथ उनका मुलाकात था उसको कैसे उन्होंने इम्प्रूव किया, और सुनील का क्या हुआ, प्रधान बना कि नहीं बना, महिमा की शादी किससे हुई, चेतक भैया का क्या हुआ, उनका UPSC निकला कि नहीं निकला, इस तरीके की और चेतक भैया को क्या ये सच्चाई पता चली कि जिस मुस्कान से उनकी बात हो रही थी वो वास्तव में कोई मुस्कान नहीं, कोई मित्र था, उन्हीं का दोस्त था। तो ये सारी कहानियां हैं जिसके बारे में आगे पता नहीं आप लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लेकिन यहां तक तो बहुत ही शानदार किताब है। सो इस वीडियो को मैं यही समाप्त करूंगा एक रिक्वेस्ट के साथ, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़िए। देखिए स्टूडेंट लाइफ की से रिलेटेड बुक है, ऐसी कोई नहीं कि आप कोई वर्ल्ड, क्योंकि लिखने वाला भी तो देखिए कौन है, लिखने वाला भी IPS है। IPS बहुत अच्छे शैली में इन्होंने लिखा है, पढ़िए, स्टूडेंट लाइफ में है इसको पढ़िए एक रिफ्रेशमेंट की तरह। मूवीज मैं पर्सनली मूवीज नहीं देखता तो मुझे बहुत अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी मस्त किसी थिएटर में जाके मूवी देख के आ रहा हूँ जहाँ पे मैंने अच्छे से इंजॉय किया। इस किताब को पढ़ने के बाद मैं काफ़ी फ्रेश फील कर रहा हूँ ताकि मैं अपने फर्दर स्टडी को कंटिन्यू कर सकूँ। तो ये किताब ऐसी बिल्कुल नहीं है कि आपकी स्टडी के लिए रुकावट है या फिर आपको पढ़ने के लिए कमजोर, आपका टाइम खराब होगा, नहीं, एक बहुत अच्छा मोटिवेशन देगा आपको, आपको आपके माइंड के रिफ्रेशमेंट के लिए भी अच्छा है। बहुत ही अच्छी किताब है, स्टोरी में मजा आएगा, मुझे अच्छा, मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि अगर आप इसको पढ़ेंगे आपको बहुत पसंद आने वाली है। सो मेरी तरफ से थैंक यू सो मच सर इतनी अच्छी किताब लिखने के लिए। पार्ट टू के बारे में तो अभी कोई कमेंट नहीं है आपकी तरफ से, बट आई स्टिल होप कि ऐसी पार्ट टू आए, मैं आगे सारी स्टोरी को देखूँ। बाकी आपकी जो भी बुक्स आएगी मैं उसको डेफिनेटली पढ़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बेहतरीन किताब लिखने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर हम युवाओं को किताबों की तरफ जोड़ने के लिए। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मैं आप सभी को इस रिक्वेस्ट के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ कि एक बार ये किताब जरूर पढ़िएगा, कभी गांव कभी कॉलेज, और ऐसे ही गांव से निकल के बच्चे, इसकी पूरी स्टोरी है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए, बने रहिए, और आपके पास भी कोई ऐसी किताब हो जो चाहते हैं कि मैं पढ़ूं, आप कमेंट में उसे मुझे रिकमेंड कर सकते हैं, मैं उसे डेफिनेटली पढ़ूंगा, अच्छा लगा तो उसको भी रिव्यू कर दूंगा, यहाँ पे ओपिनियन अपना बता दूंगा। इस बिता यह बुक तो हाईली रिकमेंडेड है आप सभी के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, इस बुक को खरीदिए, पढ़िए, इंजॉय करिए, अपने आप को फ्रेश करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद, जय भारत।